सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप सुबह सुबह आए हैं। सर अभी अभी आपने देखा, आपने हजारों लोग दौड़ रहे हैं और टी शर्ट कलरफुल, ये उमंग, ये जोश, उत्साह, क्या कहेंगे आप? मैं तो जनरल वीके सिंह जी से कह रहा था कि आपको जब भी मैं देखता हूं तो ये लगता है कि सही में अगर इस एज में भी फिटनेस का कोई पैमाना हो तो आपको सामने रख देना चाहिए। और आज की जो हमारी जनरेशन है या हमारे जो बच्चे हैं, वो फिटनेस के इम्पोर्टेंस को, योगा के इम्पोर्टेंस को, हेल्थ के इम्पोर्टेंस को जानते ही नहीं, क्योंकि आज के समय में जो जानकारी उनको दी जा रही है वो बहुत आधी अधूरी दी जा रही है। और उनको ये पता ही नहीं कि जो पैकेज फूड है, जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो बच्चों के लाइफ में सबसे ज़्यादा जहर का काम कर रहे हैं। ऐसे में मेजर पुनिया, जनरल वीके सिंह जी, ये सोल्जराथन का आयोजन देश के अलग अलग शहरों में करते हैं और उससे मैं भी बहुत लंबे टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। आई फील प्राउड, और मैं समय निकाल के सुबह 4 बजे हो 5 बजे हो मैं आता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि साल भर में कोई एक ऐसा काम है जिसमें मैं बहुत वैल्यू ऐड करता हूँ। और जब भी मैं आता हूँ मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मैं अपने हेल्थ को फिट रखूँ, जो मेरे साथी हैं, आप भी मेरे साथी हैं, कि मैं सबको ये बोल सकूँ कि हाँ, सुबह जगना चाहिए और अपने लिए काम करना चाहिए। आप ये जान लीजिए कि आप सर्कैडियन रिदम को फॉलो करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, सर्कैडियन रिदम को आप फॉलो नहीं रहेंगे करेंगे तो आप बीमार रहेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप सर्कैडियन रिदम को फॉलो करें। सवाल बनता है, हाँ बोलिए, 26/11 को 26/11 का जो दंश है मुंबई ने झेला, मैंने सर से भी पूछा सवाल, अब लगता है कि ये याद दिलाने का भी वक्त है कि इसको भूलना नहीं चाहिए, इसको याद रखना पड़ेगा 26/11 को, तभी आप शहीदों के प्रति अपनी भावना। देखिए 26/11 हमारे उन शहीदों के लिए सबसे शौर्य का दिन है और उनके परिवार और देश को याद दिलाते रहना हमारा धर्म है। अगर हम कभी ये भूल करते हैं तो देश हमें माफ नहीं करेगा, उन शहीदों की आत्मा, उनका परिवार हमें माफ नहीं करेगा, इसलिए हमारी ये नेचुरल ड्यूटी है। और कारगिल के 25 वर्ष पूरे हुए हैं, उसी के याद में मेजर पुनिया और जनरल वीके सिंह जी ने इस सोल्जराथन का आयोजन किया है। भारत एक्सप्रेस इसका हिस्सा है, ये भारत एक्सप्रेस के लिए गर्व का विषय है। कहते हैं कि जो देश अपने शहीदों का सम्मान नहीं करता वो देश प्रगति नहीं कर सकता, आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो देश अपने शहीदों का सम्मान नहीं करता वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। आपकी बात में हाँ मिला रहा हूँ, इसलिए कि शहीदों ने सर्वोच्च बलिदान दिया इस देश की सीमा को सुरक्षित करने के लिए, और अगर हम उनके बलिदान को उनके सुरक्षित किए गए देश में, उस भूमि में याद नहीं कर सकते तो हमसे ज़्यादा अनग्रेटफुल आदमी कोई हो नहीं सकता। इसलिए हमें अपने शहीदों का सम्मान करना चाहिए और हमेशा लोगों को और देश की जनता को याद दिलाते रहना चाहिए। सवाल जरूर बनता है कि इस तरीके का कार्यक्रम जब होता है तो आपकी सहभागिता बहुत ज़्यादा होती है, मैंने देखा आपको सोशल कॉज होते हैं ऐसे कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन आप जितने भी कार्यक्रम में गए होंगे, आज इस कार्यक्रम के बारे में लगता है आपको एक अलग अनुभव है आपका? देखिए मुंबई शहर में मेरे जीवन का 10 साल बीता है, मुंबई शहर से मुझे बड़ा प्यार है, मेरे पूरे परिवार को मुंबई शहर से बड़ा लगाव है। मुंबई शहर आम तौर पर बहुत व्यस्त रहने वाला शहर है, लेकिन मुंबई के लोग सुबह 4 बजे समय निकाल के इस मैराथन में भाग लेने के लिए आए हैं, तो इससे पता चलता है कि मुंबई के लोगों में एक बहुत अलग तरीके का संस्कार है, एक अलग तरीके का डेडिकेशन है, और मुंबई के लोग देश के बाकी और लोगों की जगह जैसे और कामों में प्रोफेशनल हैं, इस काम में भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। अभी आप इस तरीके के कार्यक्रम में शिरकत किया था आपने और यहाँ पर आज कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये दिन प्रतिदिन एक कारवां बड़ा होता जा रहा है और ये जो आपकी जो एक सहभागिता है इसमें और अधिक प्रगाढ़ता से जुड़ रही है? देखिए लोगों की सहभागिता, जब आप पवित्र मन से कोई काम करते हैं तो अपने आप बढ़ती है। मेजर पुनिया बहुत साफ मन से लोगों के बीच रह के और लंबे समय से काम कर रहे हैं, मेरा उनसे जुड़ाव करीब करीब 12-13 सालों का है, और जो फिटिस्तान एक फिट भारत की जब उन्होंने स्थापना की थी तो मेरे से बात किया था उन्होंने, और जब से वो इस तरह के मैराथन का आयोजन कर रहे हैं डे वन से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और कोई भी उनका मैराथन हो, सुबह 4 बजे हो, 5 बजे हो, 6 बजे हो, मैं हमेशा पहुँचा हूँ, और आज भी मैं मुंबई शहर में
कल मैं दिल्ली में था, रात की फ्लाइट लेकर के मैं आया और सुबह सुबह मैं उनके इस कार्यक्रम में पहुंचा और मुझे बहुत गर्व का अनुभव होता है कि वे लोग जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उनकी याद में अगर कोई कार्यक्रम हो और भारत एक्सप्रेस और उपेंद्र राय उसका हिस्सा बने तो दोनों के लिए गर्व का विषय है। निश्चित तौर पर एक अंतिम सवाल आपसे जरूर करना चाहेंगे कि ये जो मैसेज है इसको अगर देशवासियों से कहना हो कि फिट रहना कितना जरूरी है, इस तरीके के सोशल कॉज से जुड़ना कितना जरूरी है और देश के शहीदों को याद करना कितना जरूरी है, तो आप क्या कहें? सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप एक बार भी अपने जीवन में ये सूचना नहीं देते कि आप जागृत हैं या आप जगे हुए हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने पूरे जीवन को यूं ही गंवा देते हैं। अगर शहीदों के नाम पर सुबह 4 बजे आपको जगना पड़े, चाहे आप पता नहीं कितने रातों की नींद गंवा बैठे हों, लेकिन एक रात शहीदों के नाम आप जगते हैं तो ये सूचना देते हैं कि देश के लिए, शहीदों के लिए और स्वयं के लिए आप समय आने पर कुछ भी कर सकते हैं। बात भी करते रहेंगे और चलते रहेंगे क्योंकि कार्यक्रम आपका आगे भी है। देखिए सर, ये कार्यक्रम मुंबई में है और मुंबई के अलावा तमाम शहरों में भी इस तरीके के कार्यक्रम होते रहे हैं। अभी जो मैं बताऊं आपको कि अगर आप देखेंगे तो इधर जो तस्वीर है ना, वो इतनी शानदार है, इतनी खूबसूरत तस्वीर है और देशभक्ति वाली तस्वीर है, तो चारों तरफ जो है माहौल बहुत ही शानदार है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जब सैकड़ों हजारों लोग जब यहाँ से निकले थे तब ये लगता था कि जो है यहाँ पर ये बात जरूर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि अभी आपने देखा कि जो दौड़ रहे थे लोग उसमें हर वर्ग के लोग थे, हर उम्र के लोग थे, बूढ़े थे, बच्चे थे, महिलाएं थे। जब इस तरीके का कार्यक्रम होता है तो एक मैसेज तो जाता है ये पूरे देश। देखिए क्या होता है कि हम सभी अपने अपने कंफर्ट जोन में बंधे होते हैं, लेकिन जो लोग अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलते हैं वही लोग बेंच मार्क स्थापित करते हैं, वही लोग और लोगों को प्रेरित करते हैं। आज के रेस में मैंने एक 70 साल की महिला भी देखी जो पार्टिसिपेट कर रही थी, वो बहुत सारे मैराथन दौड़ चुकी हैं और उनके फिटनेस को अगर मापा जाए तो किसी भी 40 साल के आदमी से ज़्यादा फिट हैं वो। ये एक जुनून है, ये एक फीलिंग है। ये जरूरी नहीं कि जो सैनिक देश की सीमा पर अपना जान देता है वही सैनिक है, सैनिक वो भी है जो उस सैनिक की भावना के साथ खड़ा रहता है, उसको सहयोग करना चाहता है, उसके मॉरल को बढ़ाना चाहता है, उस सैनिक की इस दुनिया में न रहने के बाद उसके परिवार को और उसके सपनों को पूरा करता है, वो भी एक सैनिक है। लेकिन इसके लिए हमें 2 कदम चलना होता है, सिर्फ 2 कदम, सिर्फ कदम, और 2 कदम हम भी चल रहे हैं। सर एक सवाल ये भी बनता है कि देखिए जब आप पाकिस्तान की बात होती है तो पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ तमाम सारे षड्यंत्र करता है, आतंकी घटनाएं होती हैं। इसके बावजूद अगर कश्मीर की बात करें तो हाल के दिनों में आतंकी घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। आप क्या मानते हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो सही से निपट रही है, और ये भी कि आम लोगों को कम से कम जो सैनिक कुछ कर रहे हैं उनके बारे में देशवासियों को भी जानना बहुत ज़रूरी है? नहीं, सरकार की जहाँ तक बात है, जो भी सरकारें रही हैं उन लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखी है। इस सरकार ने, मैं कह सकता हूँ कि पिछली सरकारों से ज़्यादा स्ट्रिक्ट जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखी है और पाकिस्तान आज के डेट में भारत से बहुत पीछे छूट गया है, भारत बहुत आगे निकल गया है। आज भारत जो है 3रे नंबर की विश्व की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान का कोई नंबर, कोई रैंकिंग ही नहीं है, तो भारत और पाकिस्तान की तुलना करना ही व्यर्थ है, क्योंकि भारत ने पूरी दुनिया में जो दबदबा बनाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन डायस्पोरा को जिस तरीके से इस्तेमाल किया है और इंडियन डायस्पोरा ने जिस तरीके से उनको सहयोग किया है, वो सभी चीज़ों को मिला के देखा जाए तो भारत आज पाकिस्तान से बहुत बहुत ऊपर है। लेकिन एक छोटा आदमी भी बड़े आदमी को गाली दे सकता है, एक छोटा आदमी भी बड़े आदमी का नुकसान कर सकता है। आज पाकिस्तान भारत के सामने कोई हैसियत नहीं रखता और पाकिस्तान से भारत की तुलना करना मुझे लगता है कि बौद्धिक दिवालियापन होगा।
हाँ ये जरूर है कि हमारे पड़ोसी देश चाइना की तुलना भारत से की जा सकती है, और चाइना ने आर्थिक दृष्टि में भारत से तरक्की की, लेकिन आध्यात्मिक तरीके से अगर देखा जाए तो पूरा एशिया महाद्वीप भारत के चरणों में सर झुकाता है, तो भारत के एक लाल महात्मा बुद्ध के कारण। और मुझे लगता है कि भारत जितने जिस तेजी से या जिस तरीके से अपने उस गैप को पूरा कर रहा है, आज चाइना को वर्ल्ड प्रोडक्शन का हब कहा जाता है, लेकिन भारत ने जिस तरीके से अपनी नीतियां पिछले 10 साल में बनाई हैं, उनका रिजल्ट आने में 10 साल और लगेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारत वर्ल्ड के प्रोडक्शन का हब होगा, लेकिन पाकिस्तान से आप भारत की तुलना ना करिए, क्योंकि पाकिस्तान कहीं भारत के सामने खड़ा ही नहीं होता। यस, एक अंतिम सवाल अब चलते हुए कर लेते हैं कि जब चाइना की बात होती है, चाइना से जब बराबरी की बात करते हैं आप, तो ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय सैनिक हैं उनका जोश जज्बा और वो कठिन दुर्गम स्थितियों को झेलने में चीनियों से कहीं आगे हैं। आपको भी लगता है कि दुनिया भर में भारत की जो सेना है वो अपने कौशल, अपने जोश और जज्बे के नाम पर नंबर वन है? देखिए, आप इस बात को मत भूलिए कि भारत वो देश है जिसने आज तक किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन भारत के राजाओं ने, भारत के सूबेदारों ने एक भूल जरूर किया कि उन्होंने एकजुट होकर सामना करने की जगह दूसरे लोगों को अपने ऊपर आक्रमण होने के लिए अलग अलग समय पर दरवाजे खोले। आचार्य चाणक्य इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने रोका था कि भाई आप लोगों को एकजुट होना चाहिए, हम आक्रमण नहीं करते, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे किसी को हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करने देना चाहिए। अगर दूसरा हमारी सीमा में घुसेगा या दूसरे के लिए आप लोग अपने छोटे स्वार्थ के कारण दरवाजे खोलेंगे तो भारत के अस्तित्व को बहुत धक्का लगेगा। लेकिन समय समय की बात है, कुछ लोग जैसे अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीयत पे काम किया, उसी तरीके से जो करीब करीब 2000 सालों तक जो आक्रमणकारी आते रहे, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर चंगेज खान से लेकर मोहम्मद गोरी से लेकर अलाउद्दीन खिलजी से लेकर गयासुद्दीन बलबन से लेकर बाबर से लेकर, इन सारे लोगों ने फूट डालो शासन करो की नीति पे भारत के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया और भारत को कमज़ोर बनाया। लेकिन कहा जाता है कि जो व्यक्ति सबके आक्रमण को, सबके उलाहने को, सबके ताने को, सबकी गालियों को बर्दाश्त कर सकता है, अंततः बड़ा वही होता है। तो भारत ने पूरी दुनिया को शून्य का ज्ञान दिया, गणित का ज्ञान दिया, ज्योतिष का ज्ञान दिया, भारत ने पूरी दुनिया को मिनरल्स, खनिज और तमाम चीज़ों का ज्ञान दिया। भारत के ज्ञान से लेकर आज पूरी दुनिया में जो अंतरिक्ष की दिशा में नासा सबसे बड़ी खोज करता है, वो सारी चीज़ें भारत में थीं। लेकिन दुखद बात ये था कि ये सारी बातें कभी थीं, नए जमाने के हिसाब से हमें जो करना चाहिए था हम कहीं ना कहीं पिछड़ गए, और पिछड़ने के कारण आज पिछले 300 सालों में हमने कोई नया आविष्कार नहीं किया, जिसके कारण हमें पश्चिम का मुँह देखना पड़ता है। लेकिन पश्चिम को बहुत गहरे में पता है कि पश्चिम को जो पता है वो कहीं ना कहीं भारत से ही उन्होंने सीखा है। लेकिन अगर हमारे पास प्रश्न 22वीं सदी 23वीं सदी के हैं तो उत्तर भी इसी सदी के होने चाहिए। अगर हम पुरानी किताबों से इस जमाने के उत्तरों को या इस जमाने के प्रश्नों को परिभाषित करेंगे तो हमारे उत्तरों में और लोगों के प्रश्नों में मेल नहीं बैठ पाएगा। यही गैप है जिसको भारत को पूरा करना है। भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थे सीएमडी सर जो बता रहे थे कि बुद्ध का जो दर्शन है जो, और उसके अलावा जो भारत की संस्कृति है, उन सबको लेकर के एक बात समझ में आती है कि ये जो है ये भारत की संस्कृति पहले भी बहुत अच्छुट थी, अब भी और बाद में भी।